going to clear फॉर ऑल ऑफ यू 2023 आर गोइंग टू क्लियर बच्चे जो कि हजार तेईस की प्रेपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सीयूटी का फॉर्म फिल नहीं किया है उन लोगों के लिए फाइनल रिमाइंडर है और आप सभी लोग को बता दो जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए भी यह फाइनल रिमाइंडर हो सकता है क्यों लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है आइए देखते हैं सो so, क्या आपको पता है ये कि आपकी फाइनल डेट्स जो है जो एक्सटेंड करी गई थी दैट वाज ऑफ थर्टीथ मार्च 2023 ट्वेंटी मिनट से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है यानी या तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे और सीडी का फॉर्म फिल करना so आप सभी लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पर यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फॉर्म को फटाफट जाकर फिल कर ले तो क्योंकि आज ट्वेंटी है कल ट्वेंटी

आ है वो कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दो दूसरा आपका जो लास्ट डेट है पेमेंट फी ऑनलाइन राइट वो ग्यारह बज पचास मिनट का है यानी कि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है कि आप अपना फी पेमेंट भी आराम से कर लो और प्लीज फॉर्म अगर आप लोगों ने फिल कर दिया है तो ये मत सोच कि आपका फॉर्म कंप्लीट है बिना फी पेमेंट के आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा राइट right? तो इस चीज का ध्यान रखें कि फॉर्म सिर्फ भरना इज नॉट द टास्क फॉर्म भरने के साथ साथ फॉर्म को कंप्लीट करना उससे भी बड़ा टास्क है। फिर उन्होंने क्योंकि देखो सीधे सीधे बता दिया है कि करेक्शन विंडो जो है वो फर्स्ट अप्रैल से थर्ड अप्रैल तक ओपन करेंगे और मैं अब आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अब जो फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी द रीजन इज एक बार एक्सटेंड हो चुका है पहले ट्वेल्थ तक डेट थी आपकी ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल तक सॉरी ट्वेल्थ ऑफ मार्च तक अब उसके बाद आपकी डेट बिल्कुल भी बढ़ने वाली नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी गई है देर आर नो चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग दी डेट बाकी आई होप कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस चीज को कर रहे होंगे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी करेक्शन विंडो में लेकिन मैं कहती हूँ का आप वेट क्यों करोगे या करेक्शन विंडो के लिए आप क्यों अप्लाई करोगे आपको वैसे भी चार्ज या फी पे करनी पड़ सकती है बहुत सारी चीजों के लिए अगर आपको चेंजेस करने हैं तो सो so, इस चीज का वेट ना करें आई वुड से आप अपना फॉर्म अभी से भरे और अच्छे से भरे और सबसे बड़ी चीज है इन्होंने ये भी कर दिया है कि तीस अप्रैल आते आते हम सिटी का अनाउंसमेंट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों को वही सिटी दें जो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से बेस्ट हो सकती है राइट अच्छा अभी ये हो गया आपका अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट

अगर आप कॉमर्स के तो स्टूडेंट पढ़ पढ़ हो तो भी आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं सो so, आप कैसे प्लानर्स बनाओगे कैसे आप पढ़ाई करोगे सो अड्डा ऐप इज वन ऑफ सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ अभी फर्स्ट ऑफ अप्रैल से अड्डा का एक नया बैच शुरू होने वाला है जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच हिंदी वालों के लिए प्रबल बैच शुरू हो रहा है तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप प्रबल बैच ले लें अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रतिज्ञा बैच ले लें फर्स्ट अप्रैल से वो बैच शुरू हो जाएगा जिसमें आपको पूरा कोर्स सिलेबस

राइट साथ ही साथ में आपको बुक्स मिल रही हैं जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो

सो so, ये बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अभी तक का प्रोवाइड किया जा रहा है ये बैच वैसे तो थ्री फाइव नाइन नाइन का था बट मंथ एंड सेल की वजह से ये बहुत कम हो गया है। और अभी उससे भी कम प्राइजेस का है आप बिल्कुल भी अपना ध्यान भटकने मत दीजिए बहुत सारे लोग आएंगे बहुत ज्यादा डिविएट करेंगे आपको ये कर लो वो कर लो लेकिन पता है लास्ट मोमेंट है और आपको सिर्फ वे में पढ़ना है एंड आई बिलीव कि आप एक ऐसे पर्सन पर या एक ऐसी टीम पर एलाई करो जो ऑलरेडी आपके सीनियर्स को सिलेक्शन दिलवा चुकी है आप सोचिए दो में कितनी अनप्रडिक्टेबिलिटी थी कुछ नहीं पता था चीजों के बारे में आप तो चीजें पता है आप अवेयर हो और आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो सो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू गिव यू बेस्ट